On the top of a building 60 meter high, the angle of depression of the top and the bottom, ध्यान दीजिएगा दो चीजें हैं, top and bottom of a vertical lamp post are observed to be 30 degree and 60 degree. So जो angle है, depression angle है, वो top का है 30 और bottom का है 60. जो चीजें हमें बतानी है उसमें दो चीजें बतानी है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट, एंड सेकेंड इज द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट. सो इस क्वेश्चन को हम पहले फिगर बनाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में फिगर ही इंपॉर्टेंट होता है. सो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग पहले आप बनाएंगे जो 60 मीटर हाई है, है ना. अब इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है. कहा जा रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैंप पोस्ट. तो एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है, सो सपोज करो कि मैंने यहां पर एक वर्टिकल लैंप पोस्ट बना लिया. ये बिल्डिंग बड़ी है, लैंप पोस्ट छोटा है. ये दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग बड़ी होती है, लैंप पोस्ट छोटा होता है, क्योंकि इस पे लाइट लगी होती है जो ग्राउंड में उजाला होता है जिससे, है ना. सो देखिए आप, और दूसरी चीज ये जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो टॉप और बॉटम पे बन रहा है इसके, इसका मतलब ये छोटा ही है इस बिल्डिंग से, ठीक है. सो जो एंगल है डिप्रेशन एंगल, वो टॉप का कितना है, इसको हम ऐसे मिला देंगे इसमें, और जो एंगल है डिप्रेशन एंगल वो टॉप का है 30 डिग्री. सो ये हो गया. अब देखो ये डिप्रेशन अगर 30 डिग्री है सो एलिवेशन भी 30 डिग्री हो जाएगा. ये क्यों होता है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. समझ में आया, ठीक है. अब देखिए ये तो टॉप का हो गया, अब कह रहा है कि जो बॉटम है, बॉटम पे डिप्रेशन इसका 60 डिग्री है. कितना है, 60 डिग्री. सो यहां भी सेम चीज होगी, यानी कि ये एंगल कंप्लीट एंगल 60 डिप्रेशन, तो ये एलिवेशन भी 60 डिग्री. ओके, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ये आपका फिगर बन गया. अब दो चीजें बतानी है, एक तो ये डिस्टेंस बताना है, इसको आप x ले सकते हैं. सो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो इसे भी आप x ही लीजिए, h. ओके, समझ में आया. सो ये भी h ही होगा, क्योंकि पैरेलल है और इक्वल भी है ये h. तो ये डिस्टेंस हो गया आपका, ये इतना डिस्टेंस 60 माइनस एच. अभी आपका फिगर बन के कंप्लीट है. सो फिगर से अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एच और एक्स की, ठीक है. सो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम लेंगे 30 डिग्री को. उस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी एक्स पूछा जा रहा है, तो एक्स आपको दिख रहा है कि ये पूरा परपेंडिकुलर पता है, ये बेस नहीं पता. तो अगर हम 60 ले लें, तो 1060 ले लें, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आराम से लग सकता है यहीं से. सो 1060 इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन x. 1060 की वैल्यू होती है रूट थ्री, एंड 60 अपॉन x, x इधर गया, सो 60 अपॉन रूट थ्री. अब देखो रेशनलाइजेशन यहां करेंगे, क्योंकि नीचे रूट है, और दूसरा रीजन कि 3 से 60 कैंसिल आउट हो रहा है. ओके, सो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है. नीचे आ गया आपका 3 और ये 20, सो x की वैल्यू हो गई 20 रूट 3. समझ गया. अभी देखिए पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने निकाल लिया है. अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन में हम 10 30 को हम डील करेंगे.
सो 10:30 इक्वल टू होगा 60 माइनस एच अपॉन एक्स. अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और इधर हो गया 60 माइनस एच अपॉन एक्स. अब एक्स इधर गया, सो एक्स अपॉन रूट थ्री, और इधर 60 माइनस एच. अब देखो हमें एक्स की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे 20√3 पुट कर देंगे. सो 20√3 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू 60 माइनस एच. यहाँ आगे ब्रैकेट में हम इंडिकेट करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, तो x की वैल्यू आप लिख लेना 20√3, है ना. ये हमने ऊपर सॉल्व किया है, √3 √3 कैंसिल आउट, ये हो गया 20, 60 माइनस h, h इधर आया, सो 60 माइनस 20, अब h की वैल्यू आ गई 40 मीटर. ओके, सो हाइट आपको पता चल गया और डिस्टेंस भी पता चल गया दिस मीटर.